नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में इन दिनों विधानसभा चुनाव जोरों पर है, बावजूद इसके कुछ दबंगों के द्वारा अपनी दबंगई दिखाई जा रही है। ताजा मामला मऊगंज जिले के लौर थाना अंतर्गत सगरा का है, जहां पीड़ित सनत कुमार सिंह व शंकरसण सिंह के साथ गांव के ही कुछ सरहंगों के द्वारा 315 बोर की बंदूक लगाकर मारपीट की गई व भद्दी भद्दी गालियां दी गई, जिसकी शिकायत पीड़ित के द्वारा लौर थाना में दर्ज करवाई गई। बावजूद इसके पीड़ित को अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है। पीड़ित के द्वारा बताया गया कि वह अपने खेत में जुताई का काम कर रहे थे, इसी दौरान गांव के ही कुछ सरहंग आए और 315 बोर की बंदूक लगाकर भद्दी भद्दी गालियां देने लगे तथा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस थाना लौर में की, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिस कारण से पीड़ित पक्ष अब SP कार्यालय मऊगंज का चक्कर काट रहा है और पुलिस अधीक्षक मऊगंज से न्याय की गुहार लगा रहा है। कुमार सिंह कहाँ गए हैं? सगरा थाना लौर। क्या घटना हुई? घटना हुई थी, मेरे पास आकर के मेरे भाई के ऊपर गले में बंदूक बताई हुई थी। मैंने कहा वीडियो बना लो, तो बंदूक लगा दिए, बोले गोली मार देंगे दोनों को। और श्री कौन बोला, कौन बंदूक लगाया? श्रीनाथ सिंह और दूर में खड़े थे श्रीनिवास सिंह। कहाँ के हैं ये? वहीं सगरा के हैं गांव। क्या मामला क्या था कि ये लोग बंदूक लेके आ गए? हम अपने हिस्से की जमीन बहुत जोत रहे थे, इसी कारण बोले कि मना कर रहे थे। अपने हिस्से में वो तारबारी कराए हुए हैं, बगल में मेरी जमीन है, मैं वो आज पिताजी को हिस्से में मिली थी, कई साल से वो जोत रहा हूँ। तो श्रीनाथ सिंह आए और बोले ट्रैक्टर खड़ा कर दो। मैंने कहा खड़ा कर दो, बोले कि दोनों को अनाथ कर दूंगा, राण कर दूंगा। फिर मैंने कहा, जब बंदूक लगा दिखाने लगे तो हम कहे वीडियो बना लो, हम ट्रैक्टर बंद कर रहे हैं। ट्रैक्टर जब बंद कर वो वीडियो बनाने लगे मेरा भाई शंकरसण सिंह, तो गोली गले में लगा दिए, बोले दोनों ज्ञान से ख़त्म कर दूंगा। और श्रीनिवास सिंह बोल रहा था और कमलनाथ सिंह और ओंकार सिंह कि मार दो गोली। और श्रीनिवास सिंह 302 का मुलजिम में सीधी से आजीवन कारावास, सीधी न्यायालय से आजीवन कारावास की सज़ा हुई है, वो जमानत पर है और इस समय भी मुझे धमकी देता है कि उसी तरह काटूँगा। यही हाल है। और पुलिस वाले भी मनीष सिपाही जो है तो मुझे अभी जाकर परेशान करता है और बागरी से ट्रांसफ़र हो गया है। तो ये कह रहे बागरी साहब चौकी जाते थे, कहते थे हम तुम्हें गंभीर अपराध में लगा कर जेल भेज देंगे, मेरी रिपोर्ट नहीं लिखते थे ना, मेरा सही कथन लिए। और जो चश्मदीद गवाही हैं वो सब कथन दे चुके हैं, मगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आपके द्वारा कहीं शिकायत की गई? मैं 2 बार SP साहब से मिला, TI साहब से मिला और अभी 3री बार आए हैं यहाँ। अब क्या चाहते हैं हम? सर उचित कार्रवाई चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।